गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा था आप लोगों को डिफरेंशिएशन के, ठीक है, उस सीरीज में। आज स्टार्टिंग करते हैं बड़ा धमाकेदार टाइप के क्वेश्चन से करते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना है और फिर देखना कि कहाँ किस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेंशन बन जाता है। और मैं जितने टेंशन वाले क्वेश्चन थे वो सब वीडियो में करा रहा हूँ, जिससे आप कभी भी आके वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों। पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है बच्चों, इफ x इक्वल्स टू साइन t एंड y इज इक्वल्स टू साइन pt, ठीक है। और आप लोगों से जो बोला जा रहा है प्रूफ करने के लिए, वो बोला जा रहा है बच्चों, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस का x dy ओवर dx प्लस का p स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो। ये वो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, सही है, ब्रिलियंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। मैं चाहूँगा पहली बात तो कि आप खुद ट्राई करें, दो मिनट का पॉज करके इसको वीडियो को और खुद देखें, फिर मैं आपको कराता हूँ। देखो ये सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहली बात तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, एक्स दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टी, वाई दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है सॉल्व करने के बाद है ना बीच में कहीं अटक जाते हैं, वो इक्वेशन बना नहीं पाते। आपके पास दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन में सबकी वैल्यू निकालो बाद में पुट कर दो और विच इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरी स्टेटमेंट क्या करो बना लो, अब बनाते देखते हैं कैसे बनाते हैं। x बराबर बच्चों साइन टी है, ठीक है, एंड y बराबर बच्चों क्या है साइन पी टी। हम लोग जैसा पैरामेट्रिक फॉर्म में करते थे वैसे कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन किया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, सेम एज इट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा dx अपॉन dt, sin का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आएगा cos t, ठीक है। यहां करूंगा बच्चों तो dy अपॉन dt, sin का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा cos pt, और बाद में जब pt का आप करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों p आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अगला स्टेप बच्चों मुझे फाइंड आउट करना था बच्चों dy ओवर dx, अब मैं आपको बता ही चुका हूं कि dy ओवर dx कैसे फाइंड करते हैं। नाउ dy ओवर dt को आप लोग जब डिवाइड कर दोगे dx ओवर dt से तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर dt बच्चों वैल्यू कितनी थी p cos pt और नीचे वैल्यू कितनी थी cos t, ठीक है। अब मुझे जो इक्वेशन निकाली बच्चों वहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है d2y ओवर dx2, तो मुझे आगे दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को एक रामबाण मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से इसको हटा दूंगा ना, dx upon dt कितना आया था देखो इसको लिखे रहने देता हूँ, बाकी इसको मैं हटा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जरा, मैंने आप लोगों को बच्चों ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में, अदरवाइज आप डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट करने बड़ा टेंशन हो जाएगी आप लोगों के लिए। बता रहा आपको मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो रहता है डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे क्या कर दो शिफ्ट कर दो, तो cos t को बच्चों यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, cos t into dy over dx is equals to p cos pt, आपकी क्वेश्चन फटाफट बन जाएगी। अब मैंने बताया जैसे ही आपका शिफ्ट हुआ उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ t भी बच्चों एक फंक्शन है बट मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू किसके x के। तो एक चीज बच्चों cos t तो पहले नंबर पे ऐसे ही रहेगा, यहां पर कौन सा रूल लग रहा है बच्चों प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो cos t बच्चों ऐसे रहेगा dy ओवर dx से डिफरेंशिएशन करोगे d2y ओवर dx2 आ गया बच्चों, ठीक है। प्लस अब यहां पे dy ओवर dx बच्चों ऐसे रहेगा, cos t का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल लगेगा यहां पर, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा माइनस का साइन t, फिर t का करेंगे बच्चों क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और यहां फंक्शन किसका है t का, तो साथ में क्या आ जाएगा बच्चों dt ओवर dx, cos t ऐसे रहा
इसका डिफरेंशिएशन क्या ये आ गया बच्चों, ठीक है। फिर ये ऐसी रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पर्टिकुलर फंक्शन है t का, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, फिर t का करेंगे बच्चों dt ओवर dx, तो ये एक पूरा प्रोडक्ट रूल लग गया। इक्वल्स टू में जब बात करेंगे बच्चों तो p तो बच्चों वो कांस्टेंट हो गया आपका, cos pt का जब करोगे आप तो आपको मिलेगा माइनस का sin pt मिलेगा, और फिर pt का करोगे बच्चों तो क्या आएगा, p आ जाएगा, क्योंकि p तो वो बच्चा है जो फंक्शन के साथ में है, तो p आ गया बच्चों। और dt कर रहे हैं तो बच्चों साथ में क्या आ गया, dt ओवर dx। ये था बच्चों मेन स्टेप। अब यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है, तो इस स्टेप को बड़े ध्यान से करना, बिल्कुल तरीके से। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है, हटाओ इसको, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करो अच्छे तरीके से, कॉपी में करो तरीके से, ये सारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का भाग्य इतना अच्छा है कि हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, सही है, जिससे लास्ट में बच्चे को कई बार क्या होता है, जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो लास्ट में बच्चे को अवेलेबल नहीं हो पाती वो चीजें। अब यहाँ से कम से कम ये तो है, आप कभी उठ के देख सकते हो भाई ये क्वेश्चन कैसा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए जरा, तो ये बच्चों ये आया आपके पास cos t into d square y over dx square and plus ये माइनस हो गया बच्चों sin y sin t into में dy over dx। और बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पे dt over dx लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, एक चीज देखो जरा, जब मैंने dx upon dt निकाला था बच्चों तो वो आया था मेरा cos t, ये आया था, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो मेरा इसका उल्टा करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 upon cos t। आपके पास dx upon dt आया, अब कल को मैं इसको उल्टा कर दूं तो dt upon dx कितना हो जाएगा, 1 upon cos t, ये तो होगा, तो dt upon dx की जगह बच्चों मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, 1 upon cos t, ठीक है। अब मुझे लगता है मुझे निपटाना पड़ेगा इधर से, इस प्रूफ वाली इक्वेशन को ऊपर लिखता हूं जो मुझे प्रूफ करना है, 1 minus x square d square y over dx square minus का x dy over dx प्लस का p square y equals to 0, ठीक है। अब देखिए जरा, अब बड़ा सा तरीके से चलेगा इसको, देखो p into p बच्चों माइनस, पहली बात तो p square sin pt, और इसकी वैल्यू भी बच्चों कितनी आएगी, 1 upon cos t dt upon dx, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको बिल्कुल केयरफुल नेचर रखना है, डर के चलना है, ठीक है। अब एक चीज बच्चों यहाँ, अब आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, cos t d square by u over dx square sin t upon cos t बच्चों कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं ऐसे रहने देते हैं, sin t into में dy over dx upon cos t, ठीक है, माइनस का p square sin pt upon cos t। मैंने बच्चों इसको और 10 में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी आगे चल के सॉल्व करना है, वहाँ पे x आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, इसका एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम जब आप लोगे तो cos t आएगा, ये cos t बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा यहाँ पे cos square t, और साथ में आपको क्या देखा जाएगा d square y over dx square माइनस का sin t बच्चों इनटू में dy over dx इज इक्वल्स टू माइनस का p square sin pt। और यही बच्चों इसका सबसे शॉर्टकट मेथड है, सबसे शानदार मेथड है, यहां से कट गया, आपको देखेगा एंशियन में आपको दे रखा था x बराबर sin t और y बराबर दे रखा था sin pt, ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी। अब यहां अगर देखो मुझे अगर यहां पे x चाहिए तो कुल मिला के मुझे sin t को क्या करना पड़ेगा, cos square t को मैं अगर लिखूंगा तो ऐसे तो लिखूंगा 1 minus का sin square t इनटू में क्या है d square y over dx square माइनस का sin t की जगह बच्चों क्या लिख दूंगा मैं x इनटू में dy over dx माइनस का p square sin pt की जगह बच्चों क्या लिख दूंगा y, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, और वो क्या है बच्चों, sin square t है बच्चों, sin t की बच्चों वैल्यू क्या दे रखी थी x, यहां उठा के पुट कर दो, देन 1 minus x square d square y over dx square और माइनस का x dy over dx, इसको बच्चों इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा p square y is equals to g, दिस इज द आंसर। और बच्चों देखो यार ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या हो गई, यही प्रूफ करना था, बिल्कुल वो प्रूफ हो गया।
और अगर आप डायट डायट करते अगर आप उसको लेके नहीं जाते तो आपके लिए बहुत ज्यादा जंजाल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरा यही है आप लोगों से सजेशन एडवाइस कि आप लोग क्या है क्वेश्चन को पहले देख लें वीडियो को अच्छे तरीके से, उससे क्वेश्चन को क्या है करें, कहीं गड़बड़ हो रही हो तो दोबारा देखें और उसको दो बार प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस लेवल अलग जनरेट होगा बच्चों। बाद में आप सैम्पल पेपर उठा के देखोगे आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, ये बच्चों पहला क्वेश्चन था हमारा आज आज की क्लास का, कैसा लगा आप लोगों को? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बड़ा ही शानदार है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज की क्लास का, y बराबर x log x upon a plus bs। ये वो वाले क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप लोगों ने किए होंगे ना तो आप फटाफट कर लोगे, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। मैं आपको अब आपको यहाँ पर जो प्रूफ करना है, मैं प्रूफ को साइड से लिख रहा हूँ, प्रूफ करना है बच्चों x क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग टाइप का, ऐसे क्वेश्चन क्या सुकून देते हैं मैं आपको बताऊँ। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे सुकून देते हैं, आपकी तो नींद उड़ा देते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें और ये प्रूफ करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इसको। ठीक है, चलिए मैं आपको कराता हूँ। तो बच्चों इसको देखो, सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो ये है, आप यहाँ पर x अगर log की प्रॉपर्टी लगा दूँ बच्चों यहाँ पर, तो log a माइनस log b प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये log की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती? बोलो, होती सर। अगर आप देखो यार, अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊँ बच्चों, पहली बात तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर बाद में और कंडीशन क्या हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आप इस वाले x को नीचे ले आओ। ठीक है, इस वाले x को बच्चों कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, ताकि जो हमें प्रूव करना है बड़ी ईजी तरीके से प्रूव हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। इसको मैंने नीचे ले आया बच्चों, यहाँ देखा मैंने log x माइनस का log a प्लस बी एक्स। एंड नाउ मैंने अब इसके बाद क्या किया बच्चों, मैंने आप देखा यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों x। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल के हिसाब से बच्चों नीचे वाले का तो होल स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाला ऐसे रहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है। एंड नाउ ऊपर वाला ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन log के अंदर जो भी दे रखा होता है वो नीचे आता है बच्चों। और उसके बाद हम लोग जब a प्लस bx करेंगे तो a तो इकलौता मिल गया, इकलौते का डिफरेंशिएशन 0, और bx में जब b का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे मिल गया आपको b, ये कंडीशन है। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा log करता हूं बच्चों यहां पर। ठीक है, तो यहां देखें ये आ गया बच्चों x * y - माइनस का y / x स्क्वायर, और इसको यहां पे देखें y / x - का b / a + bx। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं बच्चों हम लोग, x * y - माइनस का y / x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम लूंगा बच्चों a + bx, इसको उधर ले गया बच्चों में bx / a + bx, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जो कंडीशन आई x into y dash माइनस का y upon x square is equals to a upon a plus bx। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर दो फैक्टर थे, मैंने एक फैक्टर लिखा नहीं, और ये थोड़ा सा ऑनलाइन का बड़ा टॉपिक है कि सामने कोई बैठा नहीं होता, आपको खुद ही बनाना होता है वीडियो एक कैमरे को देखते हुए, और कई बार अगर गलती हो जाती है तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, अगर आपको ध्यान नहीं दे पाए तो बस हो गया काम। ठीक है बच्चों, ये x आ गया। ठीक है, तो अभी तो मैंने फिलहाल बच्चों ये वाला क्वेश्चन किया, इसको सही से देख लें एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने पहला स्टेप क्या किया बच्चों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक अलग कॉपी में एक अलग तरीके से बनाना है ना, कि लास्ट टाइम का आप इनको देखें फटाफट, इन्हीं पे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, यही क्वेश्चन नहीं होंगे आप लोगों से। इसको नीचे लेके आया मैं, डिफरेंशिएशन किया दोनों तरफ, यहाँ क्वेश्चन रूल लगा, इसको हम लोगों ने बाद में सिंप्लीफाई करा, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम बच्चों यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, इन्ना अगला स्टेप करते हैं बच्चों। देख
अगले स्टेप में मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको हटा दूँ मैं। अगले स्टेप में मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये वाला x से बच्चों इसका एक कटेगा, यहाँ बचेगा x, y डैश को बच्चों अगर मैं dy over dx लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस का y अपॉन x इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस dx। अब आपको कुछ कुछ तो दिख रहा होगा, दिख रहा है x इंटू dy over dx माइनस y, सेम पोर्शन ऊपर भी आ रहा है, तो मेरा x नीचे ले जाने का पर्पज समझ में आया, वो क्यों था, वो इसलिए था। अब एक चीज देखो, अब इसके बाद कुछ बच्चे क्या इसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच एक देखो, देखो अगर ये एक्स नीचे रहेगा तो यहाँ भी क्वेश्चन टू लगेगा, यहाँ भी क्वेश्चन टू लगेगा, तो कम से कम किसी एक को बचा लेते हैं, किसी एक को बचाने के लिए बच्चों मैं इसको यहाँ भेज दूँ, एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस पी एक्स। ठीक है, अब एक फायदा ये हो गया कि कम से कम इस तरफ ही लगेगा क्वेश्चन टू, इस तरफ कुछ नहीं लगेगा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना, बोलो हुआ सर। इसके बाद बच्चों ने क्या किया, फिर मैंने बोला भाई अब इसके मुझे तो प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर, तो मैंने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं डिफरेंशिएशन दोबारा कर देता हूँ, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो बच्चों ये हो गया, फर्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगे, सेकंड फर्स्ट वाला पोर्शन बच्चों ऐसे रहता है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे आप जानते ही हो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आया, गॉट इट। यहाँ पे फिर एक्स बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा वन, माइनस वाई का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, फिर बच्चों नीचे वाला ऐसे रहेगा, मैंने इस पूरे को यूनिट कंसिडर किया एक, अगर मैं ए एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो पहली बात तो ए तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वन, माइनस ए एक्स बच्चों ऐसे ही रहेगा, एंड अंदर वाले का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए तो जीरो हो गया, और बी एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों दैट इज बी, गॉट इट। अब इसके बाद देखें ना, ये डी वाई ओवर डी एक्स से बच्चों ये वाला कट गया, एंड नाउ एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों चालू करो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस का ए बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। यहां से देखिए बच्चों ये वाला पोर्शन इससे क्या होगा कैंसिल होगा, ठीक है। एंड नाउ मूव ऑन टू एक पहुंचा जब मैं तो मेरे पास कंडीशन आई एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, अब देखो जो मुझे प्रूव करना था वो मुझे प्रूव करना था बच्चों x क्यूब इनटू d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर बराबर था x इनटू dy ओवर dx माइनस y का होल स्क्वायर के। तो अगर देखो बच्चों यहां पे जो मुझे प्रूव करना है वहां पे x है यहां पे क्या x क्यूब, तो मैंने काम किया मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर किससे, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों x क्यूब हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, और ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अगर आप एक चीज देखो बच्चों तो ए एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, एंड द होल थिंग इज इक्वल टू बच्चों दिस ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की जगह बच्चों ये पुट करो। तो जब आप पुट करोगे तो अगला स्टेप जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, x cube into d square y over dx square equals to x into dy over dx minus y ka whole square, and hence बच्चों क्या हो गया ये proof हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, है शानदार माइंड ब्लोइंग टाइप के हैं क्वेश्चन, ये है बच्चों, और ये उन क्वेश्चनों में से आते हैं जिन्हें बड़ा बच्चा क्या बड़ा सॉल्व करने बड़ा टेंशन क्रिएट करता है बच्चा, ठीक है। आपको टेंशन क्रिएट नहीं करनी, आपको इनको सॉल्व करना है, अच्छे तरीके समझना है,
और प्रैक्टिस करनी दो तीन बार और भाई साहब कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। उसके बाद सैंपल उठा के देखो, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, फटाफट होंगे सब के सब। आगे बढ़ो, चल। तो बहुत ही शानदार उनका क्वेश्चन है, पूरी सीरीज ही बच्चों। मैंने क्या है, लल्लू बंजू टाइप के क्वेश्चन नहीं थे इसमें, मतलब अब यूट्यूब पे पढ़ा रहे वैसे बात तो पहली बात तो टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। और बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को एक चीज़ और लगती है बच्चों कि यहाँ पे उन बच्चे को लगता है 45 मिनट्स का लेक्चर है तो 45 मिनट्स लो, ये क्या है। आप जब उसको सही तरीके से नोट करने बैठेंगे ना, और जब टीचर बनाता है वीडियो तो उसको वो डेढ़ घंटे का वीडियो होता है बच्चों। पहले से पूरा माइंड मेकअप करना पड़ता है कि कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, किसको पहले नंबर पे लेके चलना है, और कहीं बीच में गड़बड़ हो गई तो फिर वो लटक गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीरियस लेके चलें और साथ दें। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा देख रहा हूँ, अच्छा ही ले रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन बच्चों ये, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज की सीरीज का क्वेश्चन बच्चों ये रहा, साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स 3x प्लस 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 5, ये है बच्चों। और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि फाइंड करिए dy ओवर dx, ये फाइंड करें। तो फिर मेरा कहना वही होगा आप लोगों से, 2 मिनट का पॉज लेके वीडियो पॉज करें, खुद दिमाग लगाओ, ठीक है। देखो जब आप दिमाग लगाओ ना तो आपका चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करते, यहाँ से करते, ऐसे करते, ये करूँ तो, अगर ये करूँ तो वो दिमाग यूज होगा और वो पर्टिकुलर रीजनिंग वाला फैक्ट यहाँ पर जाके यूज होगा। फिर जब मैं बताऊँगा ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा फिर आपने बुद्धि यहाँ पर यूज क्या किया उस चीज का, समझ रहे। तो अच्छा पहली बात तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और मैंने आपको बताया कि 90% इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई, आप सब्सटीट्यूशन करने जाओगे, मान लो फॉर एग्जांपल आपने साइन थीटा पुट करा, ठीक है, बच्चों को पता होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस आ जाएगा। फिर बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 3 sin theta 4 cos theta 5 हो जाएगा ये। तो ये कंडीशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के टाइप के मैं बताऊँ, मैं ऐसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब बच्चों सॉल्व करने आते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये सबसे पहले तो इसको क्या है अलग अलग मैंने डिवाइड किया बच्चों, 3/5 x प्लस 4/5 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x, आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। अब क्या करना है बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट कर लिया, पुट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। साइन तो मैंने कितना मान लिया बच्चों, 3/5 मान लिया। तो अगर आप देखोगे किसी ट्रायंगल को बना के देखोगे आप इस तरीके से, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ट्रायंगल बच्चों कितना हो गया 4। तो बच्चों कॉस की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा 4/5। तो ये हो गया बच्चों साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। तो मुझे बाहर साइन वर्स से तो अंदर आइडेंटिटी किसकी आनी चाहिए, साइन की आइडेंटिटी बनेगी, और साइन की आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाली, याद है कि नहीं आते, 11th पढ़ के आ चुके हैं आप लोग। तो बच्चों साइन ए कॉस बी होता है, तो दूसरे वाले को बच्चों मैंने यहाँ पर ये दो पोर्शन है ना, इनको मुझे कुछ और सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो इनको जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो मैंने इनको क्या किया बच्चों, मैंने इनको मान लिया कॉस 5, क्या मान लिया बच्चों मैंने कॉस 5। अब मैं मानना चाहे ना साइन ए भी मान सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, थीटा 5 मान के चलना। मैंने यहाँ पे एक्स बराबर क्या मान लिया, कॉस 5 मान लिया। अब इसके अंदर अगर ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो ये अगर ये अंगल 90 है, ये 5 है बच्चों, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया बच्चों एक्स, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो ये वाली साइड बच्चों कितनी निकलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर बच्चों यहाँ से मैं साइन 5 निकालने जाऊँगा तो साइन 5 क्या होगा, पी अपॉन एच दैट इज अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो पूरा पूरा काम बन गया, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 5, ये हो गया साइन 5। तो हमारी पूरी पूरी एक आइडेंटिटी बन गई, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व किया जाता है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर दोगे पागल हो जाओगे, और उनको से नंबर नहीं देगा टीचर बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब ये बच्चों ये क्या हुआ, सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर, मैंने 3/5 को बच्चों कंसीडर क्या किया था मैंने, साइन थीटा, एक्स को बच्चों कंसीडर क्या किया था मैंने, 5 कॉस 5 प्लस 4/5 बच्चों कितना आया था हमारा, कॉस थीटा
ठीक है, और ये बच्चों कितना आया था, अंडर रूट के अंदर 1 - x² ये आया बच्चों sin phi, ठीक है। अब देखना है आपको बच्चों आइडेंटिटी पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बच्चों की आइडेंटिटी किसकी होती है, साइन ए प्लस बी की होती है। ये बच्चों इससे कट गया, कहने के लिहाज से बोलते हैं बच्चों कट गया, थीटा प्लस फाइव आ गया बच्चों, वाई बराबर कितना आ गया आपके पास, थीटा प्लस फाइव। अब क्या करेंगे आप लोग, आपने यहाँ पे बच्चों साइन थीटा बराबर कितना माना था, 3/5। अगर कल को मैं इसको डालूंगी, कल को अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा तो आप लोगों के सर ये आएगा साइन इनवर्स 3/5, तो थीटा की जगह पर बच्चों मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 3/5। और यहाँ देखिए फाइव बराबर बच्चों कॉस उधर जाएगा, तो फाइव की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स एक्स। तो पूरे फंक्शन को हमने गौर करके बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए बच्चों, लेके आ गए नहीं आगे, तो ये पैटर्न है बच्चों। ये मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखे हैं ताकि आप लोग कभी भी आके रिविजन कर सको अपना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, अगर आपका डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है रह जाएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, सही है। पूरा पूरा इंटीग्रेशन इसी बेस्ड है, कैसे करोगे, तो वाई बराबर बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 प्लस का बच्चों कॉस इनवर्स एक्स। एंड नाउ अब मैंने बच्चों सुनहरी लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है बच्चों, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, दैट इज 0। और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन बच्चों आपको मालूम है माइनस का 1/ अंडर रूट के अंदर 1 - x², तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, -1/ अंडर रूट के अंदर 1 - x². कैसे लगे बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत शानदार, ठीक है। तो आप लोग इनको देखिएगा, एंजॉय करिएगा, बाय बाय।